बेटमा के पास इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 59 के मेटवाड़ा टोल प्लाजा पर दो दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों ने देर रात तोड़फोड़ की। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बेटमा के पास इंदौर अहमदाबाद के मेटवाड़ा टोल प्लाजा पर 30 से 35 अज्ञात लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है और फरार हो गए। इस पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि यह टोल प्लाजा पहले शुरुआती दौर से ही विवादों में रहा है, जिसकी वजह टोल राशि का अधिक होना है। इसके लिए टोल क्षेत्र के आसपास के रहवासियों द्वारा कई बार प्रदर्शन भी किया गया। वहीं पिछले वर्ष क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल ने भी सैकड़ों लोगों के साथ टोल टैक्स पर आसपास के गांवों की लिस्ट बनाकर छूट देने की बात कही थी। तो वहीं कुछ दिन पहले करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स कम करने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन भी किया था। बेटमा पुलिस ने इस मामले को प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है और अब जाँच के बाद ही मुलजिम का पता लग पाएगा। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। 8:17 की बात है कि मेटवाड़ा टोल प्लाजा पर 30-35 नकाबपोश लोग अपने हाथों में लठ पत्थर ईंट लेकर आए और अचानक आकर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे वहां पर लगे सिस्टम और बूथ पे लगे जो कांच और बैरियर वगैरह में काफ़ी नुकसान हुआ जी। क्या लूट की नीयत से था या नहीं? नहीं नहीं, ये जो कुछ समय पहले अभी वहाँ पर हुआ था, ये आसपास के कृषक लोग हैं जो उनसे भी टोल वसूला जा रहा है, जो टोल को उस पार उनकी ज़मीन है जी, तो उस बात को लेकर कुछ इनसे समस्या लेकर आए थे टोल मैनेजर के पास में ये लोग। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि आपको एक पास 250 रुपये का अनिवार्य मासिक बनवाना अनिवार्य होगा। तो किसानों द्वारा उसका विरोध किया गया था, उसी बात को लेकर लगता है कि ये उनके द्वारा ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या ये माना जाए कि करनी सेना ने जो चेतावनी दी थी कि टोल टैक्स तोड़ दिया जाएगा, अभी उसकी ही परिणति है क्या ये? अभी अपन स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी रात्रि में जो घटना घटित हुई है इसको लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया बलवे के तहत, और अभी जाँच जारी है, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, अभी उसमें विवेचना जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।